पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़। रमन सिंह और राहुल धुरिया को लगी गोली। रिशु गैंग के बताए जा रहे हैं सदस्य। दर्जन भर मामले आरोपियों पर है दर्ज। सुल्तानपुर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। यहाँ शिकायत मिलते ही बड़े बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से सुल्तानपुर में बदमाशों की जानकारी मिली और पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पूरा मामला मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के दियरा गांव का है, जहां पुलिस की रमन सिंह और राहुल धुरिया नाम के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसपी का कहना है कि पुलिस की मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से नारकोटिक्स का सामान बरामद हुआ। एसपी ने बताया कि इन आरोपियों ने पूछताछ में कहा कि इनके पास और भी माल है, लिहाजा पुलिस इनके साथ बरामदगी के लिए गई तो इन्होंने पुलिस पर ही फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी खुद को बचाने के लिए फायरिंग की तो आरोपियों को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर अस्पताल पहुँचाया गया। आज थाना मोतीगरपुर में दियारा में जब पुलिस चेकिंग हो रही थी, तब दो अपराधी रमन सिंह और राहुल धुरिया पकड़े गए, जिनसे नारकोटिक्स का सामान बरामद हुआ। बाकी पूछताछ करने पर इन दोनों ने बताया और भी नारकोटिक्स छुपाए हुए हैं, हम बरामद करवा के देंगे। इसी पे पुलिस उनके साथ गई, लेकिन जहां पर बरामद करने की बात की गई वहां पे ये लोग अपने असली छुपाए रखे थे। पुलिस के अरेस्टिंग से बचने के लिए पुलिस के ऊपर प्राणघाती हमला किए अपने छुपाए हुए असलों से। पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, जिसमें ये दोनों लोग इंजर्ड हो गए। इसमें कहना है कि रमन सिंह और राहुल धुरिया, इन पे ऊपर दर्जनों भर मुकदमे हैं। रमन सिंह जो अवंतिका स्वीट हाउस में गोलीकांड हुआ था 2018 में, उसका अपराधी है। इसी के साथ साथ राहुल धुरिया, इसके ऊपर हत्या, लूट, गैंगस्टर, ऐसे NDPS ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं। उसके साथ साथ जो राहुल धुरिया है वो रिशु सिंह उर्फ दिव्यांग सिंह के नाम पे जो गैंग पंजीकृत है, उस गैंग का एक्टिव मेंबर है। रिशु सिंह भी बांछी चल रहा है और रमन सिंह भी रिशु सिंह के साथ कई अपराधों में संलिप्त रहा है। एसपी की माने तो पकड़े गए आरोपियों पर लूट, हत्या और गैंगस्टर सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं ये आरोपी रिशु सिंह गैंग से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। बहरहाल एसपी का कहना है कि इन आरोपियों का इलाज करा के आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस ताबड़तोड़ एक्शन से ये तो तय है कि अब जिले भर में किसी भी आरोपी की अगर शिकायत मिली तो उसकी खैर नहीं। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।